नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करे पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एसीसी लिमिटेड कंपनी की एजेंसी के बारे में और जानेंगे कि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की एजेंसी कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कितनी जमीन होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही अभी बात करेंगे कि यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यह सब बात करेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एसीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों एसीसी लिमिटेड इंडिया की कुछ बड़ी सीमेंट कंपनी में से एक है और आज बहुत बड़े लेवल पर यह सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही है। और दोस्तों इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है और आज यह कंपनी लफार्ज होल्किन ग्रुप के साथ काम कर रही है, यानी उस कंपनी के साथ यह बिजनेस कर रही है। और दोस्तों आज इस कंपनी के लगभग 17 सीमेंट प्लांट है और 62 रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट है। और दोस्तों लगभग 10 से 15 हजार वर्कर इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और इंडिया के अंदर 10 से 15,000 एजेंसी आज इस कंपनी ने ओपन करवा रखी है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कंपनी कितनी बड़ी है और कितने बड़े लेवल पर सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही है। दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए डीलरशिप प्रोवाइड कर रही है और एजेंसी ओपन करवा रही है। तो दोस्तों यदि कोई भी पर्सन एसीसी कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेकर बिजनेस करना चाहे तो यह एक बिल्कुल लाभदायक बिजनेस है और इसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी ज़मीन और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की ज़मीन है तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है और आप ज़मीन किराए पर ले रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। फिर दोस्तों आपको कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और दोस्तों यह थोड़ी सी बड़ी कंपनी है और अच्छे लेवल पर बिजनेस करती है तो अच्छी खासी ब्रांड सिक्योरिटी लेती है। दोस्तों यह कंपनी 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच ब्रांड सिक्योरिटी लेगी। उसके बाद आपको अपना ऑफिस बनाना है और गोडाउन बनाना है। और यदि आप अपने कस्टमर को होम डिलीवरी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ व्हीकल होने चाहिए, जैसे ट्रैक्टर या गाड़ी। तो दोस्तों सभी को मिलाकर यदि आपके पास 5 से 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, यदि आप एजेंसी थोड़ी सी बड़ी ओपन करेंगे, यदि यानी आप बड़े स्टॉक के साथ एजेंसी ओपन कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यदि आप छोटी एजेंसी ओपन कर रहे हैं यानी थोड़े स्टॉक के साथ एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट में काम चल जाएगा और आप छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ छोटा बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप एक छोटी सी बात बता दें, यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी ले रहे हैं तो आप इसके साथ दो बिजनेस और कर सकते हैं। एक तो दोस्तों सेटिंग स्टोर का बिजनेस और दूसरा कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस, या दोनों बिजनेस ऐसे दोस्तों जो इसके साथ बहुत अच्छे से चलेंगे और अच्छा खासा पैसा आप इनमें कमा सकते हैं। दोस्तों हम इनके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि सेटिंग स्टोर का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं और रॉ मटेरियल का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं। दोनों बिजनेस के बारे में दोस्तों हम विस्तार से आपको बताएंगे, आप वह वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो यदि आपके पास अच्छी खासी जमीन है तो आप बिजनेस आसानी से कर सकेंगे और इसके साथ और भी बिजनेस कर सकेंगे, और जमीन थोड़ी है तो आपको बिजनेस करने में थोड़ी सी समस्या होगी, आप छोटे स्टॉक के साथ बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आप जमीन की बात करें तो आपको ऑफिस बनाना है और गोडाउन बनाना है, दोनों के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए दोस्तों। तो यदि आपके पास 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जगह है तो आप आसानी से एसीसी कंपनी की सीमेंट एजेंसी ले सकते हैं और अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया था, यदि आप इसके साथ सेटरिंग स्टोर और कंस्ट्रक्शन रॉ मटेरियल का बिजनेस करना चाहें तो आपको जमीन और भी चाहिएगी। और दोस्तों आपको एक सबसे जरूरी बात बता दें, आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर बड़े साधन आसानी से आ सके और जा सके, क्योंकि दोस्तों जब कंपनी आपके पास माल पहुंचाएगी तो बड़े ट्रकों के अंदर पहुंचाएगी और वह आसानी से आपकी एजेंसी के अंदर जाने चाहिए। तो दोस्तों ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जो रोड के पास हो और आपके पास कोई सिटी लगती हो, तो ऐसी लोकेशन होगी तो दोस्तों आपकी एजेंसी अच्छे से चलेगी और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखती है और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट देखती है। दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपको कंपनी से पता चलेंगे, पर्सनल डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं। दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड या राशन कार्ड कुछ होना चाहिए।
आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, और आपके पास अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फोटोग्राफ्स होने चाहिए। और दोस्तों, आप जब एजेंसी ले रहे हैं तो फिर आपके पास अपना जीएसटी नंबर और टीआईएन नंबर होना चाहिए। दोस्तों, टीआईएन नंबर पहले चलता था, लेकिन अब जीएसटी नंबर चलता है। जीएसटी नंबर होगा तो आप एजेंसी आसानी से चला सकेंगे, क्योंकि दोस्तों जीएसटी नंबर के बिना आज कोई बिजनेस नहीं किया जाता, तो आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है और आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, तो आप आसानी से एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेकर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात बता दें, दोस्तों यदि आप किसी भी कंपनी की एजेंसी ले रहे हैं तो आपको जमीन तो इक्वल ही चाहिएगी, क्योंकि दोस्तों सीमेंट एजेंसी तो एक ही है और इतना ही लेवल पर आप एजेंसी का ऑफिस बनाएंगे और इतना बड़ा ही गोडाउन बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, गोडाउन के लिए कंपनी के कुछ रूल होते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ कंपनियां 5,000 से 6,000 बोरियों का स्टॉक के लिए जगह मांगती है और कुछ कंपनियां 4,000 से 3,000 2,000 इतना स्टॉक मांगती है। तो दोस्तों, एसीसी की बात करें तो कंपनी 4 से 5,000 बोरियों का स्टॉक आपसे मांगेगी, तो आपके पास इतनी जमीन जरूर होनी चाहिए और अच्छी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे कि कैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप एसीसी लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेना चाहते हैं और उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। दोस्तों, जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका लोगो और इनका अच्छा सा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दोस्तों, यदि नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कंपनी के बारे में और भी जानकारी आपको दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, और स्क्रॉल करेंगे तो और आप हर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं और हर डिपार्टमेंट की नॉलेज ले सकते हैं इस वेबसाइट से, और कंपनी की हर न्यूज़ डेली इस वेबसाइट पर अपडेट होती है, तो आप सब भी न्यूज़ इस वेबसाइट से ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो कैसे आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल करेंगे, तो ऊपर के स्क्रॉल करने पर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, आप उसके ऊपर क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा, और दोस्तों फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, कस्टमर सर्विस एंड टेक्निकल सपोर्ट। ये ऑप्शन दोस्तों, यहाँ एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल करना। इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे दोस्तों, आपकी इनके डिपार्टमेंट से बात होगी, और दोस्तों आपको इनके डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट से बात करनी है और आपसे वह कुछ जानकारी मांगेंगे, जैसे आपकी ईमेल आईडी, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर तो उनके पास होगा ही, क्योंकि दोस्तों आप उसी नंबर से उनके कॉल करेंगे, और आपकी क्यूरी क्या है, यानी आप कंपनी से किस लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सभी जानकारी दोस्तों आप डिपार्टमेंट को दें, फिर आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन वह कर देंगे। दोस्तों, हमने ऐसा किया है, तभी आपको बता रहे हैं कि हमने इस नंबर पर कॉल की थी दोस्तों और हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया था, तभी आपको बता रहे हैं कि आप यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ऑनलाइन कंपनी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सीमेंट एजेंसी के लिए, तो दोस्तों आपको एक नीचे की तरफ एक वेबसाइट दी गई है, इसके acchelp.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाएं दोस्तों। दोस्तों, जब आप acchelp.in के ऊपर जाएंगे तो आपको इनका अच्छा खासा इंटरफेस दिखाई देगा, वैसा ही दोस्तों जैसे आपको उस वेबसाइट के ऊपर दिखाई दे रहा था। कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक क्यूरी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही दोस्तों आप क्यूरीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। दोस्तों, यह आपको अपनी क्यूरी डालनी है, मतलब आप कंपनी से किस लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कंपनी तक पहुँचानी है कि आप कंपनी के पास किस लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपको इनकी एजेंसी लेनी है। दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से उन्हें सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना नाम भरें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना नाम भरें, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर भरें। ठीक है दोस्तों, फिर अपना स्टेट सिलेक्ट करें और सिटी सिलेक्ट करें। ठीक है, फिर अपना मोबाइल नंबर दोबारा से भरें और फिर अपना एड्रेस डालें, जहाँ पर आप एजेंसी ओपन करना चाहते हैं वह एड्रेस आपको डालना है यहाँ, और फिर ईमेल आईडी भरें। ठीक है दोस्तों, ईमेल आईडी भरने के बाद नीचे कैप्चा दिया गया है, वो एंटर करें, और ऊपर एक क्यूरी का ऑप्शन है दोस्तों, उस क्यूरी ऑप्शन के अंदर आपको अपनी ज़मीन से संबंधित पूरी डिटेल देनी है और आपको कंपनी को यह बताना है कि आप कंपनी से किस लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सभी डिटेल यहाँ भरें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर कैप्चा एंटर तो आपने कर रखा है,
फिर एक बार चेक कर लेंगे हमने जो डिटेल भरी है वह सही डिटेल है या नहीं है। और दोस्तों यदि सही डिटेल है तो उसके बाद आप सबमिट कर दें। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ से सिर्फ आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको कंपनी की एजेंसी ओपन करनी है और इसके लिए कंपनी से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। यदि कंपनी को आपकी लोकेशन सही लगी, आपकी इन्फॉर्मेशन सही लगी, तब भी दोस्तों कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी। वरना दोस्तों आप यदि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस नंबर से, तो आपके ज़्यादा चांस है कि कंपनी आपकी इन्फॉर्मेशन ले और आपको एजेंसी दे दे। क्योंकि दोस्तों हमने वहाँ कॉल करके चेक किया था और उनके सेल्स डिपार्टमेंट ने कॉल उठाई थी और उन्होंने बताया था कि आप यहाँ से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों ये दोनों तरीके थे जिससे आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एजेंसी के लिए। यदि दोस्तों यदि आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर टोल फ्री नंबर है दोस्तों, इनका आप उस नंबर पे कॉल करें। और या फॉर्म अप्लाई करने में कुछ भी समस्या है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर हम आपको एक वीडियो के अंदर यह फॉर्म पूरा फिल करके दिखा देंगे कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप ACC लिमिटेड कंपनी की एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप ACC लिमिटेड कंपनी की सीमेंट एजेंसी लेते हैं तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कंपनी प्रति बोरी प्रॉफिट मार्जिन देती है। दोस्तों कंपनी आपको 8 से 12 रुपये प्रति बोरी प्रॉफिट मार्जिन देगी, जिसके अंदर कुछ चार्जेस होंगे। तो आपको 8 से 10 रुपये प्रति बोरी प्रॉफिट मार्जिन आसानी से पड़ जाएगा और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप इसके साथ और बिजनेस करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, और यदि आपकी सेल अच्छी है तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा, यदि आपकी सेल कम है तो आपको मुनाफा कम होगा। तो दोस्तों यदि आप ACC कंपनी की सीमेंट एजेंसी करते हैं तो यह एक सही बिजनेस है और आप अच्छे खासे इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। वहाँ दोस्तों हमने अच्छे से डिटेल से पूरा बताया कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ डिटेल से बताया है। और दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।